यह है मेरी इसराइल सीरीज की दूसरी वीडियो और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इसराइल कितना एक्सपेंसिव है। भाई बहुत एक्सपेंसिव है। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करके जरूर जाना। स्वागत है आप सभी लोगों का। अगले दिन अभी गोप्रो पे शिफ्ट नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है अभी एग्जैक्ट क्या बनाना है, तो इसलिए मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में भाई आपको देखने को मिलेगा कि इसराइल कितना महंगा है। बहुत महंगा है भाई, ठीक है। वो देखेंगे कि जापान को कॉम्पिटिशन दे पाता है या नहीं दे पाता। अभी मैं जा रहा हूँ एक सुपर मार्केट, मतलब यहाँ पे जैसे 7-Eleven वगैरह तो काफ़ी कम है, तो यहाँ पे लोकल सुपर मार्केट टाइप्स हैं, तो उस पे जा रहा हूँ मैं आपको चीज़ों के प्राइस दिखाने। और शाम को हम यहाँ से निकलेंगे टेल अविव से जेरूसलम की तरफ, ठीक है। एक तो भाई मेरे को पता करना है कि बस का कार्ड कैसे लेना है, वो मैंने भी पता किया नहीं है, वो पता करना है। और जो जो प्राइस मेरे को अभी तक पता है और कितना महंगा है वो एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हॉस्टल मैंने लिया, ये मेरे को पड़ा अराउंड 1150 रुपये का, ठीक है, जो कि थाईलैंड वगैरह में 300 रुपये में या फिर 400 रुपये में बढ़िया वाला मिल जाएगा आपको। फिर जो मैं ट्रेन से आया उसकी टिकट थी 1350 शेकेल, मतलब 260 रुपये। फिर बस का यहाँ पे फेयर है एक बार की राइड का छः शेकेल, ठीक है, 6 शेकल उसका प्राइस है, तो मतलब वो 120 रुपये हो गए। उसमें 90 मिनट तक आप कितनी भी देर तक राइड कर सकते हो। तो और सिम कार्ड थी 171 शेकल की, 8-10 दिनों वाली, मतलब 3400 रुपये की, जिसमें 2 GB या फिर 20 GB वाला डाटा पैक आप चूज़ कर सकते हो। और मेरे को यहाँ से कहाँ से जाना है, आया तो मैं कल इस साइड से था, तो इसी साइड से चलते हैं। हाँ इसी साइड से चलते हैं, ठीक है। ये तो मतलब अभी तक मेरे को जो प्राइस पता चले हैं वो बताया मैंने, और अभी देखते हैं जो जो मेरे को पता चलता जाएगा वो मैं आपको बताता जाता हूँ। एक सुपरमार्केट देखते हैं, फिर खाने पीने का देखते हैं, रहने का आपको पता चली गया है। तो टेल अविव से यहाँ पे और सारी जगहों पे थोड़ा कम ही रहेगा, मतलब जेरूसलम में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, फिर इक्वल सा ही रहेगा, या फिर आप कहीं और जाओगे तो थोड़ा इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि ये कैपिटल है तो कैपिटल हमेशा महंगी ही होती है। ये ट्रक बैक कर रहा है, अभी चलते हैं एक सुपर मार्केट और दिखाता हूँ आपको। करेंसी का रेट आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि इसराइल में कौन सी करेंसी चलती है, तो इसराइल में चलती है न्यू इसराइली शेकेल, ठीक है। न्यू इसराइली शेकेल अराउंड 20 से 21 रुपीज़ की रेंज में करता है। एक इसराइली शेकेल इज इक्वल टू 20 से 21 रुपीज़। और यहाँ पर भाई मैंने देख लिया है कि लोग फोन बजाते हैं थोड़ा थोड़ा, कल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, इंडिया की तरह नहीं बिल्कुल ही, मतलब रखते हैं बजाते हैं यहाँ के लोग थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ही, मतलब 1 या 2% जैसे अभी आपने सुना। तो हाँ सुपर मार्केट का नाम है सुपर मार्केट पता नहीं यार, मतलब ट्रांसलेशन में गलती हो रही है या फिर कहाँ पर ऑनलाइन नाम दिखा रहा है सुपर मार्केट। तो जो भी प्राइसेस होना यार मैं ट्राई करूँगा, जैसे साइकिल पाथ है वाला, ठीक है, जो भी प्राइसेस होगी ना ट्राई करूंगा मैं आपको इसराइली शेकल में ही बताऊं, क्योंकि हर चीज़ का कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अराउंड 21 या 20 से मल्टीप्लाई कर लेना, उतना प्राइस रहेगा उस चीज़ का। ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा। एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी मैंने देखा है, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो फोकस हो जा, हाँ उस पर भी जाके देखते हैं इंडियन प्राइस, मतलब इंडियन चीज़ों का क्या प्राइस रहता है। वो है शायद अपना ग्रोसरी स्टोर, पर यहाँ पे यार बीच में है रोड और रोड पार करके जाना है, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करते हैं। वैसे मैंने देखा लोग बीच में से ही भाग रहे थे, थोड़ा जॉर्डन वाला हिसाब है यहाँ पे भी, पर हम क्या करें यार, बीच में से भाग जाएंगे, वैसे ट्रैफिक काफ़ी कम ही है, जा सकते हैं पर मैं सोच रहा हूँ ना ही जाएं, अपना कोई नहीं, थोड़ा घूम के चले जाते हैं। ये है थोड़ी इसराइल की सड़कें देख लो आप, वो डबल ट्रिपल वाली बस जो कि आपको ऐसे देशों में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ी बाइक्स वगैरह हैं जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। ये है सारा दारू का सेक्शन आ गया, तो सबसे पहले जो जानी मानी है अपनी जैक डेनियल्स, इसका रेट ऐसे देखना पड़ेगा, इस पर लिखा है 120, मतलब अराउंड 2400 रुपये, ठीक है। फिर आ जाएगा जिम बिम आपकी, इस पर देखना पड़ेगा, 90 की है ये, 1800 हो गए, ठीक है। ये सारा मतलब ये एब्सोल्यूट वोडका 74। ये बंदा था मेरे से पूछ रहा था कि इसमें गैस है नहीं, मैंने कहा भाई मैं हिब्रू नहीं हूँ, मेरे को नहीं आता,
ये सारी वाइन्स आ गई। ठीक है, तो वाइन्स का रेट मतलब आपको ऐसे निकाल के देखनी पड़ेगी। जैसे ये है कोई सी, ये 32 की है, ये वापस रख देते हैं। 32 मतलब 640। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये है 44 मतलब 900 रुपए का ये फ्राइंग पैन। ये वाला 60 मतलब 1200 का। ये टिफिन जैसा 600 रुपए का। ये एक एनर्जी ड्रिंक 7 मतलब 140 रुपए की, 7 शेकेल की। आ जाओ बियर देखते हैं। ये सारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं और यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसका मतलब 11 की 4 हैं शायद, मेरे हिसाब से ऐसा ही है कि 12 शेकेल की 4। फिर आते हैं बियर्स पे जो कि हमको पता होनी चाहिए। ये ब्रीज़र है, इस पे रेट देख लो 14 की, बहुत महंगी भाई। ठीक है, और कौन सी देखोगे, हैनिकन दिखा देता हूँ। ये है 12.30 की, मतलब ये हो गया अराउंड 260 रुपए की बियर, वो भी ठीक है। अब आएगा कोरोना एक्स्ट्रा, इस पे रेट लिखा नहीं है तो मतलब शायद 32 की एक है, नहीं 32 की एक तो नहीं हो सकती, 32 की 6 होंगी शायद ये। ठीक है, कार्लसबर्ग दिखाता हूँ। कार्लसबर्ग है 10 की, मतलब ये हो गया 210 की, बड़ी महंगी है भाई। यहाँ पे बियर महंगी है, दारू सस्ती है, तो दारू पी लेना किसी को। ये है हैनिकन 8.99, छोटी वाली है शायद ये, नहीं सॉरी कार्लसबर्ग दिखाई थी वो, तो हैनिकन 9 की मतलब 180 रुपए की। ये सारे जूसेस वगैरह हैं, कैनबेरी डाइट जूस, ये देखते हैं 11 12 का 240। ये हगीज़ को बच्चों के साथ आ रहा है घूमने, उसके लिए रेट 20 का ही है, 240 के 4 हैं। ये सारे आगे अपने एक्स के परफ्यूम, मेरे को बिल्कुल रेट का अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ, पर ये है 16 का मतलब अराउंड 330 रुपए का। फिर ये वाला देखते हैं, ये भी 16 का है, एक्स ब्लैक भी। ये थोड़ा महंगा था एक्स गोल्ड, ये है 24। मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये 16 की, कितने ग्राम है ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, 320 रुपए की। इस तरफ आ गए सारे शैम्पू, सेंसिटिव क्रीम, पता नहीं क्या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बच्चों गए तो। अच्छा चलो शैम्पू देख लेते हैं, हेड एंड शोल्डर 25 का, 500 रुपए की बोतल भाई, 500 रुपए की बोतल, जो इंडिया में मेरे को लगता 200-250 से ऊपर की आती होगी। पेंटीन का ये है 19 मतलब 400 की बोतल। और देखते हैं कोलगेट देखते हैं, चलो भाई कोलगेट समझ में आएगी हमको। ये है, इस पर 18 लिखा, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब इस पर रेट लिखा है, ये है 16.90 मतलब अराउंड 350 रुपए की। दो ब्रश इंटू 20 कर लो इसको, 720 रुपए की दो ब्रश, भाई साहब धूम मचा रखे इन्होंने। माउथ वॉश ये इतना बड़ा कितने का, ये 35-700 रुपए का माउथ वॉश। सेंसोडाइन वाली देखते हैं, 21 की है तो भाई और ज़्यादा महंगी है, 430 रुपए की। अगर पेप्सी देखते हैं, पेप्सी ये 11 के शायद दो हैं भाई मेरे हिसाब से, यही ऐसा ही है, हाँ 11 के दो हैं क्योंकि ये 7 का एक है, तो 11 के तो ये ठीक है थोड़ा, फिर भी मतलब 230 रुपए के दो। मिरिंडा देखते हैं, चलो शो मी द मिरिंडा 5.90, 6 की बड़ी वाली है ये 120 रुपए की, ठीक है औरों के रेट के हिसाब से तो। 7 अप भी इतने की है, और एक कोक भी इतने की है। पेप्सी देखते हैं, पेप्सी पे रेटिंग लिखा, ये भी इतने की ही होगी, 5.90 लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे पूरे पैक आ रखे हैं, ये शायद 10 के 4 हैं, ये शायद कुछ ऐसा ही रेट है,
लिखा नहीं है इन सब पे, जैसे ये जूस पे तो लिखा है 9 का मतलब 180 रुपये का, यहाँ पे भी कोरोना एक्स्ट्रा, ये 36 रुपये का पूरा 6 का सेट है, ये 36 मतलब 720 रुपये की 6, बहुत छोटी बोतल है यार ये, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं है, ठीक है। ये आ गया हेनिकेन का 6 का पैक 29-30 का, 600 का, महंगी है, काफ़ी महंगी है, अगर यूक्रेन से कंपेयर करें तारक भाई बता, यूक्रेन में तो ये 200 रुपये की 6 आती होंगी। ये बड़ी वाली पेप्सी, हाँ ये तो दिखाई तो थी मैंने आपको पूरा सेट। अंडे देखते हैं, चलो आ जाओ, जो दिख रहा है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, अंडे हैं भाई साहब। इस पे तो 18.10 लिखा है, एक मिनट, बहुत महंगे होंगे ये तो मेरे को पता है, 21-18 कुछ ऐसा ही रेट है इनका, तो ये थोड़ा समझ में आ रहा है तो दिखा देता हूँ। ये है ब्रेड, कितने की है, 18 की, 380 रुपये की ब्रेड का पैक भाई, किसको खानी है भाई, मैं नहीं खा रहा ब्रेड ब्रेड। ये बन है 290 रुपये, 300 रुपये के बन। ये हैं, इस पे रेट लिखा नहीं है, इस पे लिखा हो क्या पता, ये भी इतने से ही होंगे, और सारी चीज़ समझ में आ नहीं रही है मेरे को। इस तरफ भी मतलब ऐसा पैक्ड फूड आइटम टाइप है, पर ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। पाम हर्ट्स, ये भी 10 का है मतलब 200 रुपये। आ जाओ उस तरफ देखते हैं, ये शायद मसाले, ये देखते हैं चलो। हल्दी 200 रुपये की, इतनी हल्दी पता नहीं यार कितने ग्राम है, अब मैं बता ही नहीं सकता, देख लो अंदाज़ा लगा लो कितने ग्राम होगा, या फिर ये 100 ग्राम लिखा है, लिखा है, सॉरी 100 ग्राम लिखा है, 100 ग्राम 200 रुपये की, 140 की 40 ग्राम, और बताओ और क्या दिखाऊँ। लाल मिर्च, ये लाल मिर्च ही लग रही है मेरे को, इस पर रेट लिखना भूल गए, इस पर लिखा होगा, ये भी इतने की 200 रुपये की, ये भी 200 की, ये देख लो थोड़ा ओरिगैनो सा लग रहा है, ये भी 200 का, सब 200 का है यहाँ पे। ये पूरा पैक्ड आइटम्स आ गए शायद, बर्गर वगैरह हैं ये, 640 के, बर्गर नहीं है, बर्गर के बीच में जो डालते हैं वो है ये शायद। ये भाई 121 रुपये का, 121 शेकल का, तभी ये तो हो गया कम से कम 2400 रुपये का, ये पैकेट 2400 रुपये का, इंडिया में देख लेना कितने का है। ये चावल बेच रहे हैं भाई है ऐसे, 120 रुपये के, ये पूरा पैक है पाँच चिकन का, ये 2 का पैक, अच्छा नहीं 2 अलग अलग हैं, तीन वो भी 5 अलग अलग हैं, 60 रुपये का। चलो दूध देखते हैं कितने का भाई, दूध ये 1 लीटर है 17 का, 340 रुपये का दूध भाई साहब, भयंकर धूम मची है यहाँ पे, लूट लो जिसको लूटना है। ये भी दूध ही लग रहा है मेरे को, चलो देखते हैं बड़े वाला दूध कितने का है, 18 360 रुपये का, पता नहीं कितने 1.5 लीटर है ये, थोड़ा बेकार क्वालिटी होगा शायद। ये भी दूध की बोतल है अलग अलग टाइप की, 24 की है पर ये 24 480 रुपये की, वाओ। ये देखो यार ये बहुत महंगे हैं यहाँ पे नेस्ले का, ये शायद प्रोटीन बार लग रहे हैं मेरे को, 6 प्रोटीन बार हैं इसमें, 16 के शायद, मान सकता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चलो खिलौने दिखाता हूँ खिलौना कितने का भाई, तू इन्होंने रेट नहीं लिख रखे इस चीज़ को, छोड़ो वापस रखो इसको, हाँ भाई ये सब क्या आ गया अब। चलो जैसे मान लो एक्सटेंशन लेना, एक्सटेंशन आपको पता है ये है भाई 650 रुपये का एक्सटेंशन, जो कि इंडिया में किस दुकान पर जाओगे ना 100 रुपये में या फिर 150-200 रुपये में मिल जाएगा, क्या पता अच्छी क्वालिटी हो, पर
बहुत महंगा है, 650 रुपये का। ये देखो डिस्पोजेबल प्लेट्स का सेट, 25 प्लेट्स हैं इसमें, डिस्पोजेबल हैं यानी ये नहीं पता, पर ये है 9 का, 180 रुपये की 25। चलो ये डिस्पोजेबल ग्लासेस देखते हैं, इस पर 50 ग्लास हैं, पर रेट इस वाले भी लिखा 10, मतलब 220 रुपये कुछ, 10.60 था। और ये फॉइल पेपर देखते हैं, चलो सारी चीज़ दिखा दूंगा भाई आज आपको, यहीं पे घर बसा लेना अपना। दो हैं ये, यार लिख नहीं रखा रेट, शायद 39 कुछ। अरे भाई ये तो बहुत भारी है, काम भारी, शायद 39 का ही है, कह नहीं सकता मैं। और इंडिया से 2-3 गुना रेट मान लो। हार्पिक वार्पिक भी है क्या यहाँ पे? ये हार्पिक ही लग रहे हैं मेरे को, ये बड़े वाला हार्पिक देखते हैं कितने का है। और सस्ता ये तो, 400 रुपये का बस। तो ये तो सही, एरियल, ओ भाई साहब एरियल का कट्टा, ये है 800 रुपये का एरियल का कट्टा। इंडिया में घंटा नहीं आया 800 रुपये में, कभी टाइड भी 800 रुपये का ही है। और क्या क्या है, ये इनके खुद के हैं, यहाँ पे खुद वाले थोड़े सस्ते नहीं हैं, ये भी महंगे ही हैं। ये स्ट्रॉबेरी देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है ये हैं 20 की दो। इस तरफ देखते हैं, चलो मशरूम देखते हैं। मोदी जी तो बहुत महंगे मशरूम खाते हैं, हम सस्ते वाले से काम चलाएंगे। 160 रुपये के मशरूम हैं ये, ओ भाई साहब ये नकली मशरूम लग रहे हैं बिल्कुल, हाथ में पकड़ के देखोगे तो कह नहीं सकते क्या चीज़ है। ये देखो इसका रेट लिखा नहीं है। आ जाओ भाई अब सब्जियां देखते हैं। ये आलू मतलब इतने पैक हो रखे हैं, शायद 1 किलो हैं ये, 1 किलो से ज़्यादा लग रहे हैं, पर 5-5 रेट लिखा है इस पर। अगर पैक वाले लेते हो तो 5, खुद से चूज़ करते हो तो 6 रेट है। तो ये बंदा अपना आलू भूल गया था, लेने आया है। ये एक कैबेज का रेट है 5, मतलब 100 रुपये के करीब। ये है 3, ये गाजर 3 रुपये किलो लग रही है मेरे को, किलो के हिसाब से है यहाँ पे सब कुछ। और भाई ये देखो भाई कितने नकली लग रहे हैं बिल्कुल, ये तो इंडिया में तो मतलब कौन ही खाता होगा। 9.90 का है, एक पीस है या फिर 1 किलो है ये नहीं पता, मेरे हिसाब से 1 पीस है ये, किलो नहीं है, 1 पीस का रेट है ये इतना। ये ब्रिंजल 2.90, 60 रुपये की एक भाई, ठीक है। ये टमाटर 120 का किलो, थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो गया होगा भाई अब कितना क्या रेट है यहाँ पे इन सब चीज़ों का। बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, बस खाते हैं थोड़ा बहुत शॉर्मा वगैरह देखते हैं और चलते हैं फिर घूमने कहीं पे, टेल अभी। तो भाई देख लीजिए मार्केट कितनी महंगी है भाई, ये तो मेरे को पता था खैर इतनी महंगी मिलेगी, पर कई चीज़ें कुछ ज़्यादा ही महंगी थी। जैसे 2 टूथब्रश 740-780 रुपये की, कुछ ऐसा 680 रुपये की, ऐसे 2-2 टूथब्रश। तो मैंने लगभग हर चीज़ दिखा दी भाई आप लोगों को। अब खाने वाने का जहाँ मैं खाऊँगा ना वहाँ पर तब दिखा दूँगा। बहुत ही महंगी भाई, मतलब मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। एक पेप्सी की बोतल ठीक था रेट उसका, 120 रुपये की बड़ी वाली, पर इतनी मैं पीऊँगा नहीं और कहीं कैरी करूँगा। तो काफ़ी अंदाज़ा रह गया होगा आपको कि भाई क्या रेट है इसराइल में। मतलब यहाँ पे फिर सैलरी भी उतनी ही होगी, ऐसा नहीं है कि रेट ज़्यादा है तो सैलरी, मतलब रेट हमेशा सैलरी के और लोगों की इनकम के हिसाब से होते हैं। तो मैं एक बार हॉस्टल जा रहा हूँ वापस, और अपना दूसरा एड्रेस मैं गूगल पर GPS पर डाल के फिर चलते हैं। बीच की साइड भी जाएंगे आज, तो वो मैं भी अगली वीडियो में, इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि एक्सपेंस पता चल जाए आपको कि इसराइल कितना एक्सपेंसिव है भाई। ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया आपको, रहने का बता दिया, खाने पीने का बता दिया, और घर वर ख़रीदना है तो फिर तो भाई यहाँ पर काफ़ी दिन मेरे को बिताने पड़ेंगे तभी बता पाऊँगा मैं घर वर का तो क्या सिस्टम है। पर घर भी बहुत महंगे होंगे, और ये सामने से गई मस्टैंग, तो मतलब लोग अमीर भी हैं आके, गरीब नहीं हैं, तभी इतना महंगा खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो करते हैं पे ख़त्म, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाना, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स अपनी नेक्स्ट ट्रिप और इस ट्रिप की जो चल रही होती है वो देता रहता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगले 2 या 3 दिन में अगली वीडियो आ जाएगी।